दरभंगा को मिला एक और नया एक्सप्रेसवे और इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे इस नए प्रोजेक्ट के अपडेट के बारे में। काम कब से चालू होगा और इसकी लागत क्या होने वाली है, किस रूट से इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चालू होगा, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर ले सब्सक्राइब। दरअसल बिहार को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है और यह एक्सप्रेसवे की सौगात मिल जाने के बाद इस रूट के आम जनता को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दरअसल आमस से दरभंगा के बीच एक्सप्रेसवे को मंजूरी देने के बाद केंद्र सरकार ने अब नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। नया एक्सप्रेसवे 600 किलोमीटर लंबा होगा। गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा बिहार के मिथिला इलाके से होकर गुजरेगा और इस एक्सप्रेसवे का 416 किलोमीटर हिस्सा उत्तर बिहार के 10 जिला से होकर गुजरेगा। अभी तक इस नए एक्सप्रेसवे का बजट निर्धारित नहीं हुआ था, लेकिन इस बार 1000 करोड़ रुपए की लागत से आने के अनुमान जैसी जताई गई थी उसी दौरान इस एक्सप्रेसवे को बनाने की बात और इसकी हलचल तेज हो गई थी। दरअसल केंद्र सरकार लगातार राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने की कोशिश में जुटा। इसी क्रम में बिहार को भी एक नई हाई स्पीड रोड के जरिए पड़ोसी राज्य से जोड़ने की लगातार कवायद तेज हो गई है और ऐसे में उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का काम भी उतनी तेज से शुरू होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लेकर के बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने भी हरी झंडी दे दिया है, साथ ही पैसे की आवंटन भी जारी कर दी गई है। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में हम जब बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में तब आपको इससे बेहतर जानकारी मिल सके, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का इंतजार न केवल हमको है बल्कि आपको भी है और आपके क्षेत्र से जब यह एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य होगा तो आपकी कनेक्टिविटी बेहतर हो पाएगी अभी के कंपेरिजन में। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब।